अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इफ एल्स स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें दो वेरिएबल लेंगे और उस दोनों वेरिएबल्स में से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करेंगे और उस इफ एल्स स्टेटमेंट का हम फ्लो चार्ट और उसका प्रॉपर्टी डायग्राम और एग्जांपल के जरिए प्रॉपर्टी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले हम इधर से ओवरव्यू लेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें हमारे पास दो कंडीशन है, या कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स। मतलब हमारे पास दो कंडीशन है। कंडीशन इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ़ के बॉडी के अंदर जाएंगे और उसके अंदर जो चीज़ें बताया गया है वो करेंगे। अगर इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स के बॉडी में जाएंगे। तो एल्स के बॉडी में इनका कोड हो या हज़ार लाइन का कोड, उन कोड को एग्जीक्यूट करना है। वो एल्स के बॉडी में जो काम बताया गया है वो करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे, उसके ज़रिए करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। तो शॉर्टली यही है, हमारे पास दो कंडीशन है, या इफ़ होगा, इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा, या इफ़ का कंडीशन फॉल्स होगा। इफ़ के कंडीशन ट्रू होने पर इफ़ वाले चलेंगे, नहीं तो एल्स वाले चलेंगे। तो इधर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ एक प्रोग्राम लिखा जिसमें ए की वैल्यू है, वेरिएबल ए की वैल्यू 15 दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, लेस, इन दोनों में से ग्रेटर फाइन करेंगे और वैल्यू चेंज करके भी आपको। तो हम एक दफ़ा फ्लो चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले इफ़ का कंडीशन देखते हैं। इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ़ के बॉडी के अंदर आएंगे, ठीक है। और इफ़ के बॉडी के अंदर जो चीज़ें बताया है, जितना स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे और उन सब पे काम होंगे। जिस तरह अगर ए ग्रेटर देन बी, सपोज हमारे इस तरह इधर आप देखें ए 15 और बी 10 है, मतलब ए इफ़ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ के बॉडी के अंदर चला जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो सीधा सीधा एल्स वाले बॉडी में चला जाएंगे और एल्स वाले बॉडी में जो काम बताया गया है वो सारे करेंगे। उस बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। सपोज हमारे पास ए के वैल्यू अब चेंज करेंगे, ए की वैल्यू 10 हो, ठीक है, और बी की वैल्यू अगर 15 करें, या ए की वैल्यू छोटा और बी की वैल्यू हमारे पास बड़ा हो, तो इफ़ का कंडीशन तो फॉल्स होंगे। तो उस वक्त हमारे पास इफ़ का कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स वाले बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। और अब एल्स वाले बॉडी चलेंगे, तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम में दो इंटीजर है, एक इंटीजर ए जिसकी वैल्यू 15 है और एक इंटीजर बी है जिसकी वैल्यू 10 है। और आप देख सकते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन हो बी से तो इफ़ के अंदर आएंगे और अंदर आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और उसमें एक मैसेज लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसी तरह अगर इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो इफ़ का एल्स का कंडीशन है वहाँ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं इसे रन करके चेक करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये हो गया इफ़ कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, ठीक है। अब इसको हम पाँच छः दफ़ा कॉपी करते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर 10,000 भी स्टेटमेंट हो वो भी चलेंगे, ठीक है। सिस्टम ए इज़ ग्रेटर देन बी कई दफ़ा लिखा, और अब हम इधर कुछ और भी मैसेज लिखेंगे, हेलो लिखा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो इसके अंदर कुछ भी हो चलेंगे। चार दफ़ा ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा, इसी तरह एक दफ़ा हेलो भी आया। इस तरह अगर एल्स की कंडीशन ट्रू हुआ उसमें भी जितना भी स्टेटमेंट है वो चलेंगे, ठीक है। बी इज़ ग्रेटर देन ए, अब इधर कुछ और भी लिखेंगे, लेक्चर 8, ठीक है। अगर बी की कंडीशन इफ़ का कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स के अंदर जो भी है वो सारे चलेंगे। तो इसके बाद अगर इफ़ और एल्स के कंडीशन के अंदर जो जो चीज़ें बताया गया है, ठीक है, उस बॉडी से निकलने के बाद बाहर अगर कुछ मैसेज वगैरह हैं तो ठीक, नहीं तो प्रोग्राम ख़त्म होंगे। यहाँ पर हम बॉडी से बाहर प्रोग्राम एंडिट लिखा, और अब बी के वैल्यू ए से ग्रेटर करके देखते हैं। अब देख सकते हैं बी की वैल्यू हम 20 और ए की वैल्यू 15 रखा, तो एल्स वाला कंडीशन चला क्योंकि उस वक्त इफ़ का कंडीशन हमारे पास फॉल्स होता है। तो ये था हमारा इसका लेक्चर। आई होप आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रॉपरली समझ आए हैं, पसंद आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना राय दें, जिस जगह से डाउट हो
जो इशू हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।